तो गाइस स्वागत है एक बार सबका फिर मतलब यहाँ पे कितना पब्लिक है यहाँ पे। तो करते हैं दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत। नई मॉर्निंग के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों आज आना। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे यहाँ पे ना, अभी हम रघुनाथ जी के दर्शन करने आए थे यहाँ पे, तो यहाँ से आगे चलते हैं। आज दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए चलने के साथ में। आज हम कुल्लू शहर में आए हैं, कुछ एक स्टॉल रह गए थे यहाँ पे ना कवर करने के लिए, तो इनके पास चलते हैं और थोड़ा। नमस्कार जी, मैं डोलमा स्पीति से, ये हमारे नवाड़ की तरफ से स्टॉल लगा हुआ है इधर, तो नवाड़ को भी हम बोलना चाहेंगे थैंक यू। तो ये हमारा प्रोडक्ट है सामान स्पीति का, सारे ऑर्गेनिक सामान है इधर। ये हमारा जो है स्पीति का, जो नंगा जो बोलते हैं वो है, वो इसका बनाया हुआ मोड़ी है, तो इसका बनाया हुआ सत्तू, ये जो आप डायरेक्ट खा सकते हैं इसको चाय के साथ, दूध के साथ, ये वाला। हाँ जी हाँ जी, ये सत्तू है स्पीति का, ये देखो जी। तो गाइस ये देख सकते हैं आप ना, चाय के साथ जो मैम बता रहे ना सत्तू होता है, ये काफ़ी हेल्दी होता है ना। हाँ जी हाँ जी जी, बहुत हेल्दी होता है, शुगर के लिए ठीक होता है सब, यानी कि कई चीज़ों के लिए लाभदायक है। ये मटर है और ये फर्न है, इधर आपका सीबक थॉन लीव है, ये इसका ग्रीन टी बनता है। अच्छा, और चाय के काम आती है। हाँ जी हाँ जी जी, इसका ग्रीन टी बनेगा, और ये जो है सीबक थॉन फ्रूट है, ये इसका आपका लेमन टी बनेगा, इसका जूस बनता है, जैम बनता है, और इसका आपका बहुत इसका बेनिफिट है, आप गूगल में सर्च करोगे तो इसके बारे में सब कुछ निकलेगा। और ये फरना है आपका, प्याज और लहसुन के बदले यूज़ होता है ये वाला। ये वाला? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये वाला। बाकी जो हमारा ये गर्म वूल का सामान है, सारे अपने हाथ के बने हुए ये सारे ना, जो ये जुराबे हैं, आपका शॉल है, पट्टी है, ये कान पट्टी है, तो ये सारे हाथ का बना हुआ है, सारे अपना जो है तैयार किया हुआ, अपना हाथ से तैयार किया हुआ। इसमें और भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो हम सबको मिलजुल के हम काम करते हैं इस चीज़ के लिए। पीछे क्या ये बोलते आपका शॉल, ये शॉल बनाया हुआ हमने, देखो ये बेडू का ऊन का होता है ये वाला शॉल, और ये ऐसे से हम शॉल बनाते हैं, सारे हमारा अपना लोकल होता है, सारे अपना हाथ का बना हुआ, हाथ का काटा हुआ, अपना हाथ से तैयार किया हुआ सारे। थोड़ा सा गाइस आगे दिखाते हैं आपको स्टॉल के ना, कुछ और सामान लगाया हुआ है यहाँ पे। ये टोपी हो गया आपका, तो गाइज हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली मैम से ना, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो मैम ने बताया यहाँ पे ना काफ़ी हेल्दी है और फूड से रिलेटेड भी है, और जैसे कि बताया मैम ने ऑर्गेनिक है सभी, इनमें कोई स्प्रे नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे ऑर्गेनिक है यानी कि ना। और जी, और मैम से बात करके काफ़ी अच्छा लगा जी, धन्यवाद मैम। थैंक यू जी, थैंक यू आपका भी। तो गाइज अभी हम कुल्लू शहर में आए हुए हैं एक और स्टॉल में, और ये व्यापारी आए हुए यहाँ पे, एक स्टॉल लगा हुआ यहाँ पे एग्जीबिशन का, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा, सो दैट कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चल सके दुशहर में किस तरह के स्टॉल लगे हो, कौन कौन से सामान उनको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों। सर नमस्कार जी, मेरा जी नमस्कार जी, ये मेरा नाम तेलू राम है, मैं उत्तराखंड से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से जी। मेरा कार्य ये हैंडलूम का है, और मैं दशहरे में, मेला दशहरे में आया हूँ कुल्लू दशहरे में, और मेरा स्टॉल लगाया हुआ है ये नाबार्ड की तरफ से, नाबार्ड ने मेरा स्टॉल लगाया है, और ये कार्य हमारे पिताजी करते थे, और इस कार्यों को बढ़ाते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए, और कुल्लू दशहरा में हमारा स्टॉल लगा है नाबार्ड ने, नाबार्ड की तरफ से हमारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन कौन से सामान रखे सर आपने, थोड़ा ये हमारा ये पट्टू लोई बोलते हैं जिसको, शॉल बोलते हैं, दिखाना सर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स ना, कौन सा वाला बोला। ये जो ये है जो शॉल, शॉल हमने बुनते हैं, ये शॉल हमारा, इसी से हमारा कार्य चलता है, और बहुत खूबसूरत बना हुआ है ना, ये हाथों की कारीगरी होती है, ये हाथों की कारीगरी है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बनाया आप लोगों ने। और ये देख सकते हैं आप गाइस ना, कितने सारे यहाँ पे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, इन्होंने प्रॉपरली पूरी तरह से हैंडलूम है, और ये हाथों की कारीगरी है, मतलब के क्या प्राइस होता है सर इसका आजकल, मतलब प्राइस इसका सर 500 रुपये है। 500, फिर तो मतलब काफ़ी कम प्राइस है, मतलब जब ओरिजिनल चीज़ों का ना। हाँ जी हाँ जी, काफ़ी जेन्युइन प्रोडक्ट है जी। इस पट्टू का कीमत जो है 700 रुपये है सर जी। सर काफ़ी खूबसूरत है ये भी ना। अच्छा, बहुत अच्छा भरा मेला लगा हुआ है जी सर, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत सुंदर लगा है। तो गाइस अभी हम कुल्लू शहर में एक और स्टॉल में पहुंच चुके हैं, और इन जो ये स्टॉल लगा है इनसे जानते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में कि कौन सा स्टॉल है।
जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जो सभी को नमस्कार जी। हमारा काम, हम लोग वेलनेस कोच हैं, हम लोगों की सेहत ठीक करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे बॉडी के पैरामीटर को करते हैं, तो इसमें हमारा जो है सब 6 पैरामीटर आते हैं बॉडी में, जैसे आपका BMI हो गया, उसके बाद रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म हो गया, फैट अंदर कितना है बाहर कितना है, उसके बाद मसल कितने बिल्ट हैं आपके। तो इस तरह से जब हम पैरामीटर को एक बार चेक करते हैं, उसके बाद हम आपके आपको उसके बारे में सब नॉलेज बताते हैं। तो इसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो तो मेडिसिन में कोई नहीं है, मतलब कि एक हर्बल टाइप में, ये कोई बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो मतलब जो बॉडी की हमारी जो नीड रहती है, जो कमियाँ रहती है, उसको न्यूट्रिशन पूरी करता है। तो आप लोग सब कोई प्रोडक्ट बेचते हो या कोई योगा थेरेपी या मेडिटेशन इस तरह की चीज़ें होती है? नहीं सर, हम वैसे प्रोडक्ट बेचते नहीं हैं। अच्छा ठीक है। सबसे पहले हम यही स्कैन करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने खुद पहले इस चीज़ को यूज़ किया है, तो जब हमने खुद यूज़ किया हमारे में जो चेंजिंग आई वही हम दूसरे को डिलीवर करते हैं। सर तभी लोगों को बता पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप लोग? सर हम यही मनकन वैली जलूपुरा से। कुल्लू से? हाँ जी, हाँ जी, कुल्लू से ही हम लोग। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं ना, अभी हमने सर और मैम से बात की, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हेल्थ का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी लाइफ में, खासकर जैसे फिटनेस जो है हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कुछ एक यहाँ पर इन्होंने दिखाया यहाँ पे ना, जिन्होंने खुद पर ये एक्सपेरिमेंट किया था इनके प्रोडक्ट और इनकी सर्विस को, तो देख सकते हैं आप दोस्तों किस तरह से इनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला यहाँ पर। और ये सब देख सकते हैं यहाँ पर ना, तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे ना, अभी हम इनके स्टॉल में थे यहाँ पे ना, हेल्थ से रिलेटेड जो यहाँ पे है, तो देख सकते हैं आप उसको लाइव किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से लोगों को गाइड किया जाता है और प्रॉपर वेट वगैरह होता है, ये पूरी तरह से गाइस आप ये गाइड करते हैं किस तरह से। बाकी आप सब जानते हैं कि हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। अच्छा, तो जी सर आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। तो गाइस अभी कुल्लू शहर में हम एक भाई साहब से मिले यहाँ पे ना, इनका अपना यहाँ पे शॉप लगाया उन्होंने तो शहर में, तो इनसे बातचीत करते हैं। मुझे भी क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव लगे यहाँ पे प्रोडक्ट ना, जो प्रॉपरली पूरे वुडन के बने हुए हैं, तो चलिए इनसे मिल के बात करते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ। कहाँ से बिलोंग करते सर? सहारनपुर यूपी से। ओके, तो कुल्लू हमारे पास सब हाथ से बने हुए सामान आते हैं, सब हाथ से बनता है ये सामान, और शीशम की लकड़ी में बनता है ज़्यादातर सामान, शीशम और सागवान की लकड़ी जिसे टीकवुड बोला जाता है, उसमें सामान बना होता है। और इसमें काफ़ी आइटम आती है, जैसे घड़ियाँ हो गई हैं, आपकी वॉल क्लॉक है दीवार पे लगी हुई है, साइज़ बड़े छोटे सब तरह के मिल जाते हैं इसमें, हाथ की नक्काशी होती है सारी, ये शीशे मिल जाएंगे, हॉट केस होते हैं जो कि काफ़ी पसंद करते हैं लोग, चाबी वाली आइटमें हैं, चाबी की एंगर्स, और विंड चाइम्स हैं हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी, बच्चों के खिलौने इस तरह के मिल जाते हैं, बबल फैंस वगैरह, और ये अचार वगैरह के लिए होता है ये। हाँ, ये तो काफ़ी अचार चटनी काफ़ी चलता है ये आइटम हमारा। हाँ, ये टूटने का डर भी नहीं है, टूटने का नहीं है, शीशम की लकड़ी है, और इसमें सब ये प्लास्टिक इनले वर्क किया है, अंदर प्लास्टिक भरी जाती है ना, ये सब हाथ से अंदर नक्काशी की जाती है। कितना प्राइस होगा सर इसका भी? ये 250 रुपये का पीस होता है। 250, मतलब सिंगल पीस आएगा? सिंगल पीस आता है 250 रुपये का। बाकी वाज वगैरह होते हैं हमारे पास, बड़े साइज़ में भी हैं, छोटे साइज़ में भी, स्टार्टिंग रेंज है 250 रुपये और 2500-2700-2800 रुपये तक की रेंज में होते हैं, 2000 वाले अलग अलग रेंज में हैं। और बाकी गाइस यहाँ पे कुछ और आइटम्स भी है ना, थोड़ा सा ये दिखा देते हैं आपको ना, वुडन की काफ़ी अच्छी बनाया उन्होंने यहाँ पर ना, कारीगरी जो लकड़ी की, जो लकड़ी पर होती है और हाथों से जो बनाया जाता है, इसकी मार्केट में हमेशा वैल्यू रहती है क्योंकि, और देख सकते हैं दोस्तों आप कितने खूबसूरत यहाँ पे प्रोडक्ट है इनके पास ना। और अभी कुल्लू दशहरा लगा हुआ है और इनका स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, तो दशहरे तक दोस्तों अभी ये सब आपको प्रोडक्ट अगर आपको परचेज़ करने तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाद में दशहरा खत्म हो जाएगा, फिर आप ये चांस मिस कर सकते हैं, फिर आपको ये आइटम नहीं मिल सकते हैं। और भाई साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा, तो सर मोस्ट वेलकम इन कुल्लू, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद सर। तो गाइस अभी हम एक स्टॉल में गए थे, आपने देखा होगा वुडन के सामान जो थे काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे ना, तो मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे, तो आप सभी आ सकते हैं दूसरे में परचेज़ करने के लिए। तो गाइस अभी हम चलेंगे ऊपर प्रदर्शनी में लगा ना, यहाँ पर भी कुछ एक स्टॉल रह चुके हैं जो एग्जीबिशन लगे हुए, इनसे बात करते हैं जाके ना, और थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। तो गाइस कुल्लू शहर में हमें एक और यहाँ पे स्टॉल और शॉप लगी यहाँ पे ना दुशहरे में, तो हमें ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगी ये चीज़ है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे मैम से, और जो अंदर बैठे हुए हैं फिर देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट है
जो आप परचेज कर सकते हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ। जैसे ये हमने कुल्लू दशहरे में अपनी शॉपिंग स्टोर लगाया है, एग्जीबिशन लगाया है। ऐसे हमारा शोरूम भुंतर में SBI बैंक के बिल्कुल सामने राजघराना है, वहाँ पर ना शोरूम है। बाकी हमारे पास आपको लाइट्स, झूमर और वॉल क्लॉक्स और फाउंटेन्स रहेंगे काफ़ी सारे ना, ये सारे। इसमें मोटर रहती है अंदर जो कि आपकी इसी पानी को रोटेट करता रहेगा इसी तरह से। बाकी इसमें थोड़ा एट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने इसमें फॉगर डाला हुआ है, ये जिससे लोगों को ये लगता है कि ये पानी गर्म है, बट रहता ये ठंडा ही है। तो पानी ठंडा ही है? हाँ, ये पानी ठंडा ही है। इसके ऊपर जब भी पानी पड़ेगा ये फॉग छोड़ेगा। ओके। इसका यही काम रहता है। बाकी इसमें और भी वैरायटीज है, एक इसमें ये वैरायटी आएगी हैवी क्वालिटी की। अच्छा। ये हैवी क्वालिटी रहेगी, ये पूरा स्टोन का ही लगेगा आपको। पर ये भी, ये वाला जो मटेरियल है ये पॉलीरिजन मटेरियल रहता है, जो बेस्ट चीज मटेरियल होता है उससे बनता है पॉलीरिजन मटेरियल। इसमें आपका रहेगा, इसको आप बाहर भी रख सकते हो, धूप बारिश इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी जो ये वाला मटेरियल है ये पॉलीरिजन प्लस स्टोन रहेगा, ये हैवी क्वालिटी का रहेगा। और इस सामने लाइटिंग, बाकी वॉल लाइटिंग है हमारी, बहुत ही खूबसूरत है यहां पर ये। वॉल लाइट 400 से स्टार्टिंग रेंज रहेगी हमारे पास। बाकी इसमें झूमर जो है वो 3300 से स्टार्टिंग रहेंगे, 2 लेयर्स वाले ये वाला रहेगा इस तरह। ये ब्लूटूथ वाले भी, इनमें स्पीकर्स भी रहेंगे, सॉन्ग्स वगैरह सुनना चाहो तो वो भी सुन सकते हैं। आजकल इन्हीं का ट्रेंड चला हुआ है ज़्यादा ना, ट्रेंडिंग में मतलब। हाँ, बोलते हैं हम जिसे। इसमें मल्टी कलर ऑप्शंस है, वॉर्म वाइट और वाइट कलर रहेगा इसमें, और इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, हमने ऊपर किया ना, आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो उसे। उस साइड भी वॉल लाइट्स है ना, देख सकते हैं कितनी सारी सुंदर लाइटिंग है यहाँ पे ना। और ये मिरर लाइट्स रहेंगे विद वारंटीज है ये वाली ना, जो मिरर लाइट्स रहेंगी। बाकी वॉल क्लॉक्स है, ये प्रीमियम वाले शैंडलियर्स रहेंगे, इनकी फिटिंग भी हमारी रहेगी और वारंटीज 5 ईयर है इसके साथ। तो मैम, जैसे हमारे जो व्यूअर्स जो ये देख पा रहे होंगे ना, तो अगर उनको ये परचेज करना होगा तो कहाँ पर मिल सकता है उनको ये दशहरे के बाद? आपको फिर हमारा शोरूम में आना पड़ेगा, भुंतर में है हमारा शोरूम, SBI बैंक भुंतर है, उसके सामने ही आपको मिलेगा हमारा शोरूम राजघराना। वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको लाइट, शैंडलियर्स, झूमर, पेंटिंग्स, होम डेकोर की काफ़ी सारी आइटम्स मिलेगी आपको। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम। तो गाइज़ ये देखा आपने, मतलब कितने खूबसूरत यहाँ पे ये शैंडलियर्स वगैरह यहाँ पे और लाइटिंग है प्रॉपर, मतलब कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी दोस्तों ये ना। तो आप सब भी मतलब इस तरह की खरीदारी कर सकते हैं, और दिवाली का टाइम है और इस तरह की लाइटिंग ज़्यादा बनती है। तो इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए दोस्तों बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज़ काफ़ी सुंदर सुंदर स्टॉल और एग्जीबिशन शॉप्स वगैरह लगी यहाँ पर ना कुल्लू दशहरे इस बार, और काफ़ी मज़ा आ रहा है वो सामान देख के। और उम्मीद करते दोस्तों आप सभी जो लोग घर से ये वीडियोज़ देख रहे हैं तो वो सब ये वीडियो देखकर कुल्लू शहर में ये सामान परचेज कर सकते हैं जो आना चाहते हैं कुल्लू शहर के लिए। तो भाई सभी हम कुल्लू शहर में घूम रहे थे, तो अभी हमारे को यहाँ पर एक स्टॉल मिला जो मतलब कुल्लू शहर में ना, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की तरफ से लगा हुआ स्टॉल है यहाँ पे ना। काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली हमारे को ना कि किस तरह से आजकल ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होते हैं मतलब ना, तो उनसे बचना है, उससे सतर्क रहने के लिए सर ने बताया हमारे को जो भी यहाँ पे आए हुए थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी एक डेमो भी चल रहा है, मतलब लोगों को गाइड भी किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ठीक है, स्टेटमेंट भी साफ सुथरा रहे तो ये बेनिफिट है आपका। 17 बिलियन ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, मानो हर मिनट। ये आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ना लाइव जो ये दशहरे में बहुत सारे जो पब्लिक आए थे इस तरह से अवेयर कर रहे हैं जिस तरह से ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से आप बच सकते हैं, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है सो दैट आपके साथ इस तरह से कोई फ्रॉड ना हो ऑनलाइन। देखिए दोस्तों दशहरे में भीड़ कितनी अभी यहाँ पे दिन के टाइम में। तो गाइस देख सकते हैं कुल्लू शहर में एक शॉप लगी भाई साहब की यहाँ पे ना, ये बहुत ही अच्छे अच्छे सामान रखे हैं उन्होंने यहाँ पे। तो यदि आप भी अगर मतलब इस तरह के सामान चाहते हैं तो कुल्लू शहर में आज आ सकते हैं आप, बाद में दशहरा ख़त्म हो जाएगा तो आपको ये सामान नहीं मिलने वाले। ये भाई साहब की शॉप है, कहाँ से सर आप? बजौरा से। अच्छा, ये देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत प्रोडक्ट है यहाँ पे ना। गाइस यहाँ पे तो लगा स्टॉल आपका या चार चटनी की जो शॉप लगी यहाँ पे ना दशहरे में।
गाइज़ अभी कुल्लू शहर में हम एक और स्टॉल में आ चुके हैं ना, यहाँ पे कुछ एक आइटम थी जो फूड आइटम थी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो तो इनसे बातचीत करते हैं। तो आगे का ये मैम से पूछते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार भैया, मैं महाराष्ट्र से आई, माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता महिला समूह। जी मैम, और आपका शुभ नाम? मेरा शोभा अभिमन्यु सेवाले, महाराष्ट्र से। जी मैम। जो हमारा रोस्टेड गेहूँ, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मखाना, केले के चिप्स, पापड़, सब कुछ जितना प्रोडक्ट हेल्दी है, शुगर फ्री है, ये बच्चे के लिए भी हेल्दी है खाने के लिए, ये जो बनाए, ये ज्वार बाजरा सब रेत में भुना जाता है, ऐसा है साल दो साल भी रखेंगे कभी खराब नहीं होता है। ये जो बनता है हमारा 10-10 लेडीज़ का चार ग्रुप है, समोसे तरफ से बनता है, इसे केमिकल नहीं, सब नेचुरल है। सबसे अच्छा है ये जो टोस है, ये भी रागी का बना है, बिस्किट रागी का है। ये जो रागी है ये शुगर वाले के लिए ज़्यादा काम आता है। ये जो कढ़ी में और दही में और ये खीर भी बना सकते हैं। ये पॉपकॉर्न है, ये भी रागी का बना है। बाजरा है, ज्वार है, गेहूँ है, जितना प्रोडक्ट है सब नेचुरल है। ये कम से कम 10-15 साल से हम बना रहे, 5-7 साल से कुल्लू में, मुझे हिमाचल में आता है। ये सब लोग आते लेके जाते, बहुत अच्छे। काला किशमिश है नेचुरल, उड़द मूंग का पापड़ है, खाकरा है, सब कुछ नेचुरल चीज़ है। ये शुगर के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए भी, ऑन टाइम पास भी। थैंक यू, धन्यवाद मैम। केले का चिप्स दोस्तों, ये देख सकते हैं आप यहाँ। बहुत सारी नई नई आइटम्स हैं यहाँ पे ना देखने को मिल रही है कुल्लू शहर में। तो अभी गाइस हमें मैम ने ये कुछ एक आइटम दिया है, इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना हुआ है। नमकीन है, अच्छा गाइस, थोड़ा स्पाइसी है। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी पब्लिक का देखा होगा आपने ना, काफ़ी सारे सामान इनके जो बिक रही है ना, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे ना। मुंबई से आई है, महाराष्ट्र से, और इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो बहुत सारे प्रोडक्ट आप देख सकते, कितने कस्टमर लाइव यहाँ पे देख सकते हैं आप ना। तो गाइस अभी कुल्लू शहर में हम हैं एग्जीबिशन स्टॉल के साथ में ही, मतलब ना यहाँ पे, मतलब कि हमें एक स्टॉल दिखा यहाँ पे ना, तो अच्छे अच्छे हैंडलूम जो थे बने हुए यहाँ पे, तो हमें अट्रैक्टिव लगे, तो हमने कहा चलिए इनसे एक बार जानकर पूछ लेते हैं किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं और क्या प्राइस है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम सुनीता ठाकुर है और मैं यहीं से कुल्लू से ही, भुंतर मेरा घर है और मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे पास जो बच्चों के लिए जो सेट वगैरह, छोटे बच्चों के, बड़ी लड़कियों के लिए फ्रॉक है, और हम जो हमारी कुल्वी टोपी है, शॉल है, जैकेट है, मतलब कि सही रेट में मिल जाएगी। और कुल्लू दशहरे में हमारा स्टॉल लगा है, तो जिनको ख़रीदारी करनी है वो प्रदर्शन ग्राउंड में आके कुछ एक सैंपल टोपीज वगैरह दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को, आप जो ज़्यादा से ज़्यादा देख सके लोग भी ना। ये देखिए गाइस ना, कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन है इसमें, एक से बढ़कर एक डिज़ाइन है दोस्तों यहाँ पे ना। ये देखिए, और यहाँ पे उनकी जैकेट भी मिलती है, उनकी जैकेट भी है यहाँ पे, और पटिया भी है उनकी। ये जैकेट वगैरह होंगी ना आपकी? हाँ जी, ये उनकी है, ये जैकेट होगी, ये लेडीज की। अच्छा, तो गाइस ये लेडीज का जैकेट है और ये यहाँ पे जेंट्स का है। हाँ जी, और ये पीछे भी लेडीज जेंट्स के लिए, ये बच्चों के सेट है, और ये बनाया उन्होंने बच्चों के लिए सेट्स में, काफी प्यारे बने हुए यहाँ पे ना, सेम सेट वगैरह। हाँ, बस खोलना एक बार इसको ना, ये देख सकते गाइस आपने कितना सुंदर बना हुआ है ना। ये हाथों से बनते हैं कि मशीनों से होते हैं? ये मशीन से बनाते हैं। अच्छा, हाथों से तो बहुत टाइम लग जाता है ना। अच्छा, पर मशीन से बनाते हैं। और ये बच्चों की हुडी है, ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी जैकेट यहाँ पे, और ये साथ में क्या बोलते हैं इनको, स्टॉल है, मफलर बोलते हैं, मफलर है। तो दोस्तों अगर आपका कुल्लू में आना होता है तो आप लोग मतलब इस तरह की चीज़ें परचेज कर सकते हैं, मतलब एज अ सुवेनियर, और अपने फैमिली के लिए गिफ्ट ले जा सकते हैं। और अभी दशहरे में ये स्टॉल लगे हुए हैं, तो अगर आपको भी ये सब प्रोडक्ट यहाँ पे पसंद आ जाते हैं तो आप भी कुल्लू दशहरे में आ सकते हैं एग्जीबिशन स्टॉल में। तो इस तरह की आइटम आपको जो बता रहा था अभी मैं, तो ये सब आप परचेज कर सकते हैं और हमें सेवा करने का मौका दें। ज़रूर ज़रूर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो गाइस ये ग्रीन कलर का मैंने टोपी यहाँ पे ट्राई किया खुद पे, ग्रीन में सूट नहीं करता है, बट ये टोपी आप पे सूट जरूर करेगी। मिलाते हैं आपको हमारे सीनियर मित्र भाई बंधु कॉलेज से जो हैं।
काफ़ी टाइम बाद इनसे मिलना हो रहा है, चलिए मिलते हैं इनसे। ये हमारे विजय भाई, हेलो, और ये मित्र भाई बंधु हैं के साथ में, और इनसे मिलना हुआ बी एस एन ऑफिस में, काफ़ी टाइम बाद मिला इनसे। और ये हमारे कॉलेज के सीनियर रह चुके हैं मित्र भाई बंधु हैं। ओके, तो नमस्कार सभी को, श्रोताओं को और देखने वालों को। हम अभी BSNL के ऑफिस में हैं, जो कि एग्जीबिशन ग्राउंड में इन्होंने ऑफिस सेटअप करा है। हम यहाँ पर सिम लेने आए हैं। मैं BSNL का काफ़ी पुराना कस्टमर हूँ, लगभग 12 साल से BSNL का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। और आज मैं, और इनकी टीम बहुत अच्छी है, खासतौर पर इनके रवि, जिनका सोशल मीडिया देखकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। दशहरा बहुत अच्छा है और अच्छा हो रहा है, नया नया चीज़ें देखने को मिल रही है और मज़ा आ रहा है, खूब मज़ा। ठीक है, नमस्कार सर। जी मैम, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम नंदकला ठाकुर है। सर हम नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड चंद्रावा मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड से आए हैं, और हमारा स्टॉल लगा है यहाँ एग्जीबिशन ग्राउंड में। और हमारा स्कूल है और हम ब्लाइंड बच्चों को एजुकेशन देते हैं, इसके साथ साथ हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं। और हमने अपने स्टॉल में कैंडल्स का स्टॉल लगाया हमने बेसिकली, ये तो हम ये कैंडल्स बच्चों को बनाना सिखाते हैं, और ये कैंडल्स जो है वो बच्चों ने बनाई है। तो इसके अलावा हम एजुकेशन पे काम करते हैं और वोकेशनल, जैसे मैंने आपको बताया कि हम वोकेशनल की एजुकेशन पे भी काम करते हैं। तो ये कैंडल्स बनाई हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं स्टॉल में। थैंक यू। तो ये कैंडल्स हैं यहाँ पे ना? ये ना फ्लोटिंग कैंडल है। ओके मैम, तो ये फ्लोट करेंगे। और कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं मैम? जैसे ये कैंडल है, अलग अलग डिज़ाइन के बनाते हैं आप लोग ना? स्टिक पर हमारे पास। तो ये सब आप चीज खुद ही तैयार करते हो ना आप लोग? मतलब जी सर, सिखाते भी हैं। अच्छा, ट्रेनिंग भी करवाते हो आप लोग? वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। तो इसका मैम सीखने का ये ट्रेनिंग सेंटर या कहाँ पर है? यहीं कुल्लू में होता है, कहीं और है? ये जी सरवरी कुल्लू में, ब्लाइंड स्कूल कुल्लू में है। ओके, और ये कैंडल ऐसे आप डेकोरेट कर सकते हो? हाँ जी, बाकी वैरायटीज देख सकते हो गाइस, देख सकते हैं अपना डिफरेंट तरह की, इन्होंने जो अलग अलग तरह की कैंडल बनाई है। और सबसे अच्छी बात की औरों को भी ये ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं इस तरह से। और बाकी ये बहुत अच्छा है कि रोज़गार का सोर्स भी हो सकता है मतलब ना। तो बेसिकली ये टेक्सटाइल बुक होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एजुकेशन पे भी काम करते हैं बच्चों के, पढ़ाते हैं हम उनको। जी मैम। तो फिर उनको पढ़ाने के लिए वैसे पहले ब्रेल का यूज़ होता था, ब्रेल लिपि होता था, क्या अभी भी होता है? तो ये है वो ब्रेल, है ना? इसमें ब्रेल बेसिकली 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो जैसे इसमें लिखा है लर्निंग विद टेक्सटाइल ग्राफिक्स, है ना, टेक्सटाइल बुक सेकेंड एडिशन, है ना, ये ब्रेल सीखनी पड़ती है ये। तो ये इसके आगे टेक्सटाइल भी बनाए हैं, जैसे ये सारी जानकारी लिखी है। फिर जैसे ये टेक्सटाइल बनाया है, है ना, जैसे अल्फ़ाबेट्स है ये ABC, ये बड़ी ABC है जो कैपिटल वाली होती है, ये ब्रेल में लिखा है यहाँ पे ABC, जैसे डॉट्स है ये, जैसे डॉट नंबर 1 फॉर A और B 1, 2, C 1, 4, और फिर साथ में ये टेक्सटाइल भी दिया, जैसे प्रिंट में जैसे लिखते हैं, जैसे A ऐसी शेप है, बी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। जी मैम, है ना, इस तरह से ताकि वो छू के उसको हर चीज़ का टेक्सटाइल बनाया जाता है। हाँ जी, टच करके फील कर सके ताकि उसको पता लगे। हाँ जी। और इसमें कौन कौन से क्लास तक के बच्चे होते हैं जैसे? इसमें हमारे पास सर 5th तक, हमारा जैसे स्कूल है जो प्राइमरी स्कूल है वो बेसिकली, तो 5th तक हम एजुकेशन देते हैं। उसके बाद हम हॉस्टल फैसिलिटी देते हैं 2 तक के बच्चों को, हम इंक्लूसिव एजुकेशन देते हैं बच्चों को, इंक्लूसिव सेटअप में भेजते हैं। 6th से हमारे बच्चे गर्ल्स जो है गर्ल्स स्कूल जाती हैं और बॉयज़ जो है बुंतर स्कूल जाते हैं, तो उन वहीं पर जनरल बच्चों के साथ जनरल स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और शाम को वो हमारे पास आके, हॉस्टल फैसिलिटी हम देते हैं क्योंकि उनको, तो वह हमारे पास आके एज अ ट्यूशन आप समझ सकते हैं वैसा उनको हम पढ़ाते हैं। जो भी उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो क्लियर करते हैं, और उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू या फिर हम टेक्सटाइल के थ्रू जैसे भी उनको हम ट्रेन कर सकते हैं उस तरह से हम ट्रेन करते हैं उनको। अच्छा, ये है सर स्क्रैप, ये भी सेम टेक्सटाइल की तरह ही काम करता है। okay. जैसे ये स्क्रैप बोर्ड बोलते हैं वैसे इसको, तो ये भी जैसे अल्फ़ाबेट ही एक्चुअली है ABC, ये भी शेप के लिए होते हैं। जब ब्रेल हम सिखाते हैं ना तो उनको डॉट्स का कॉन्सेप्ट देने के लिए, शेप देने के लिए होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मैम ना, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग ना ये मतलब। और ये क्या क्या चीज़ है मैम, ये थोड़ा सा क्या चीज़ है? सर ये है स्मार्ट केन,
तो इससे हम जो विजुअली इम्पेयर्ड जो भी पर्सन होता है वो अपने चलने फिरने के लिए सक्षम होता है इससे। अच्छा। तो ये काम करती है, ये फोल्डेड है फिलहाल, एक मिनट, ये ऐसे खुलती है। ओके। और इसमें सेंसर लगाया है, ये सेंसर जो है ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करता है, ये वाइब्रेट करता है। अब ये तो फील, जब हाथ पकड़ोगे केन को तो फिर आपको फील होगी इसमें वाइब्रेशन, आपको इसमें आवाज़ भी आ रही होगी कुछ। तो जब तो जब हम चलते हैं तो ये वाइब्रेशन के थ्रू, इसकी वाइब्रेशन का पैटर्न जो है थोड़ा अलग अलग होता है। जब चीज़ दूर होगी तो कुछ अलग होगा, नज़दीक होगी तो कुछ अलग होगा। तो इसके लिए भी हम बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि वो आने जाने में किसी पे डिपेंड ना हो और खुद अपने मतलब काम कर सके, इधर उधर जा सके, है ना, इस तरह से। तो इसमें हमारी एक लाइब्रेरी चलती है बुक शेयर करके, ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है। जैसे अब के तो गाइस देख सकते हैं आप ना, इस तरह की बुक्स मैम ने बताई भी ना, तो बच्चों की लर्निंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है मतलब ये ना। और इस तरह से मैम अगर ट्रेन करते हैं इनको, बच्चों का एजुकेशन में हेल्प करते हैं। और कुछ एक इक्विपमेंट है यहाँ पे जो जो डिसेबल होते हैं, जो आई से मतलब देख नहीं पाते, तो उनके लिए भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है। जैसे चलने के लिए एक मैम ने स्टिक था ना यहाँ पे, ये भी काफ़ी स्मार्ट स्टिक, सॉरी, तो ये काफ़ी कीन, ओके, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। और ये हैंडमेड ज़रूर ज़रूर मैम, तो जी हाँ, ओके। गाइस अभी हम कुल्लू दशहरे में स्टॉल में थे, जैसे कि मैम ने बताया ना, काफ़ी अच्छी अच्छी हैंडलों में इनके पास से कैंडल्स वगैरह हैं और बच्चों को किस तरह से हेल्प करते हैं, ये इनके प्रोडक्ट हैं यहाँ पे कुल्लू दशहरे में लगे होना। तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अभी दशहरे तक इनका स्टॉल यहीं पर रहेगा ना, और जैसे आ सकते कुल्लू दशहरे में, और जल्द से जल्द आप मतलब ये सब चीज़ जो आइटम इन्होंने बनाई ना, जैसे ये कैंडल्स वगैरह, तो आप सब परचेज़ कर सकते हैं। और दशहरा ख़त्म ही होने वाला है, तो इससे पहले आप जल्द से जल्द पहुँच जाएँ और इन सबको मोटिवेट करें, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, मोटिवेशन मिलता है और रोज़गार में भी हेल्पफुल है। तो ये था इनका कुल्लू में स्टॉल यहाँ पे ना, मैम से इन सबसे बात की, काफ़ी अच्छा लगा। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सर, आप सबने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को दिया। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे व्यूवर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी और उनको भी आने वाले टाइम में ये हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद मैम वंस अगेन, ओके, थैंक यू सर। गाइस अभी हम है कुल्लू दशहरा में एग्जीबिशन स्टॉल के सामने मतलब ना, तो ये हमारे भाई बंधु है, मित्र भाई बंधु, काफ़ी टाइम से जानते हैं इनको और इनका दशहरा में स्टॉल देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा चलो इनसे भी मिलते एक बार और काम किस तरह चला है, और जिस तरह के आप सभी जानते हैं मतलब कि कुल्लू में इस टाइम आपका शॉल टोपी मफलर काफ़ी फेमस रहता है, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको व्यू वगैरह, ठीक है। तो ये गाइस देख सकते हैं कितना सुंदर इन्होंने मतलब ये जैकेट वगैरह बनाया हुआ है ना। वैसे भाई ये लेडीज़ जेंट्स की, ये लेडीज़ के लिए देख सकते हैं आप गाइस वहाँ पे ना, कितने सुंदर सुंदर बनाए हुए यहाँ पे ना। और ये सामने इनकी टोपी टापी है, ये टोपी बनाई हुई यहाँ पे ना, देखो कितनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन है यहाँ पे ना, और बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना। और भाई साहब एक का जो टोपी दिखाना वाला आपने हमारे व्यूअर्स के लिए, थोड़ा सा कष्ट आपको, कोई भी नंबर दिखा दो हमारे व्यूअर्स को, दिखाने में टोपी ना डिज़ाइन दिखाना दो तीन ना, हमारे व्यूअर देखे कि क्या खूबसूरत और बढ़िया बढ़िया शानदार टोपी है यहाँ पे बना। ये देखो गाइस कितने सुंदर डिज़ाइन इसमें बना हुआ, वाह मज़ा आ गया देख के। आप भी अगर कुल्लू दशहरे में आए हैं तो इन टोपियों को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं अपने फैमिलीज़ के लिए। और ये देखिए गाइस बहुत बहुत ही मतलब कि सुंदर डिज़ाइन इनमें, ये देखिए यहाँ पे ये सुंदर सुंदर डिज़ाइन यहाँ पे, तो गाइस अभी हम भी ट्राई करते हैं ना, मैंने भी अपनी ये टोपी जो ऐसी लगाई हुई थी इसको निकाल देते हैं, अब थोड़ी चेक कर लेते हैं भाई साहब की दुकान में ना टोपी किस किस डिज़ाइन की है। ये देखिए क्या खूबसूरत देख सकते हैं आप यहाँ पे ना, ये देखिए थोड़ी छोटी, हाँ ये ब्लैक कलर की भी है, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर। तो गाइस आपको कमेंट करके बताना है मतलब कि टोपी का डिज़ाइन कौन सा अच्छा था, ठीक है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन यहाँ भाई साहब ने बनाए हुए। तो भाई आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद मिलना हुआ आपसे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत अपना कीमती वक्त देने के लिए, थैंक यू। हेलो ध्यान हो जाएगा। तो गाइस ये हमारे मित्र भाई बंधु हैं, यही मनाली से ही है, तो आज दशहरे में इनसे मिलना हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भाई जी कैसे हैं? बढ़िया भाई जी, सर घूमें, हाँ जी सर, ये देखो यहाँ पे हमारे व्यूअर्स कैसा करो, हेलो करो, ये थोड़ा बिजी है अभी, मिलते हैं। हेलो सर, ये हमारे भाई बंधु है, साथों पढ़े स्कूल में, आज हमारा काफ़ी टाइम के बाद मिलना हुआ यहाँ पे। भाई साहब का लुक देखो क्या मतलब KGF लुक है भाई, मज़ा आ गया, ठीक है दोस्त, ओके सर। अब तो चलो चलते फिर एग्जीबिशन की ओर, तो अभी हम चलते हैं एग्जीबिशन ग्राउंड की ओर, मैं हूँ साथ में, और साथ में हमारे भाई मीडिया जगत के दिग्गज आदमी,
तो गाइस अभी हम है कुल्लू एग्जीबिशन ग्राउंड में और दुशहरे में, तो यहाँ पर एक स्टॉल दिखा हमारे को ना, तो कुछ एक मैम बैठे यहाँ पे, इनसे जानते हैं कि किस चीज़ का स्टॉल है। तो चलिए गाइस, नमस्कार मैम। नमस्ते, हम लोग वॉलंटियर्स हैं और हम यहाँ पे वॉलंटियर कर रहे हैं वेस्ट वॉरियर्स के जो NGO है उसके स्टॉल पे। तो हम लोग ये एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए और वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों को गेम खिला रहे हैं और वो जीतने पे हम लोगों को प्राइज़ भी दे रहे हैं, जैसे कि रीयूजेबल स्ट्रॉ, पेंसिल की जिसमें पीछे बीज हैं अलग अलग चीज़ों के जिससे आप प्लांट उगा सकते हैं, साथ में रीयूजेबल बैग। और ये गेम हम बिल्कुल फ्री में खिला रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ कार्ड्स दिए जाएंगे और एक मिनट का टाइम, और इसमें आपको सारे कार्ड्स बिल्कुल सही सही डस्टबिन में डालने हैं, डस्टबिन में डालने होते हैं। हाँ, और इन कार्ड्स पे बने हुए हैं अलग अलग तरह के कचरों के पिक्चर्स, जिसको देख के आपको ये अलग अलग कचरों में डालने हैं, और एक मिनट का टाइम दिया जाएगा, और अगर आप गेम जीत गए तो ये प्राइजेस। ग्रीन जो है वो है गीले कचरे के लिए, जिसमें ऐसे कचरे जाएंगे जिनका जिनसे खाद बनाई जा सकती है, और जो गाय को, और ब्लू वाला है सूखे कचरे के लिए जो रिसाइक्लेबल है, और नॉन रिसाइक्लेबल भी जाएगा उसमें, और ये है हजार्डस वेस्ट, मतलब कि डेंजरस वेस्ट जिससे बीमारियां फैल सकती है और चोट भी लग सकती है, तो उस तरह की वेस्ट के लिए। तो ये गाइस इनका कुल्लू शहर में यहाँ पे इनका स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे ना, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मैम ने यहाँ पे, तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी और आप इसी तरह स्टॉल में आइए, सबको मोटिवेट करिए। और कुल्लू शहर में एक स्टॉल में मिला ये मैम वगैरह ना, जैसे सब ने बताया यहाँ पे कि कूड़े कचरे के बारे में आप सभी जानते हैं, बट ये कि किस तरह से उसको मतलब आप एक जगह से इकट्ठा कर सकते हैं जहाँ पर नहीं फेंकना है वो जरूरी है। और मेन बात ये होती है कि जैसे कि कूड़ा कचरा जो होता है ये कुछ गीला होता है, कुछ सूखा होता है, ठीक है, ये सब मिक्सअप नहीं करना होता है, ये आप सबको नॉलेज मैम ने बताया भी कि सब ये अलग अलग डस्टबिन होते हैं। तो आप सब भी कुल्लू शहर में आइए और इस तरह से इन सबको मोटिवेट करें, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा काम करें, इतने दूर से अपना टाइम अपना कीमती वक्त हमारे लिए दे रहे हैं, और ज़रूरी है आप सब आइए, मोस्ट वेलकम एंड थैंक्स टू ऑल वंस अगेन। हम मनाली, धर्मशाला, बीर, इंडियन हिमालयन रीजन्स में ऑफ हिमाचल एंड उत्तराखंड के ऊपर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, सिस्टम सेट करने के लिए और कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम्स बनाने के लिए, ताकि लोग खुद ओनरशिप लेते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जगह है काम करने के लिए वेस्ट मैनेज करने के लिए। तो हमारा प्रोजेक्ट्स बहुत जगह पे चल रहे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल में, ऋषिकेश के पास, देहरादून में, जिम कॉर्बेट में, धर्मशाला, बीर, कसौली, मनाली, बहुत जगह पे चल रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे काम को सपोर्ट करो, ज्वाइन करना चाहते हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो। ज़रूर ज़रूर, आपके बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है ना, और काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा मतलब ना। तो गाइस ये है इनका जो बैनर लगा यहाँ पर ना, वेस्ट वॉरियर करके इनका NGO है, साथ में यहाँ पर इनका स्कैनर है, इसे आप स्कैन करके इनकी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। तो गाइस अभी देखिए हमारे साथ कौन है, ये हमारे राजीव सर है, मतलब कुल्लू RH हॉस्पिटल में होते हैं, तो अभी दुशहरे में इनसे मिलना हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर सबसे पहले तो आपको दुशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, धन्यवाद सर। तो अभी सर दुशहरे में घूमे होंगे आप, काफ़ी कैसा लगा मतलब कि मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी इन्जॉय किया हमने, तो जो हमारे गया डोसा खाया मज़ा बहुत इन्जॉय किया, और जो आपसे मिला बहुत खुशी आपसे मिलकर, और जो हमारे व्यूअर जो यूट्यूब से देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहिए कुल्लू दुशहरे में कितना मज़ा आ रहा है, आपसे आ सकते हैं इस तरह से? ग्रैंड फेस्टिवल है, बहुत ही मज़ा आता है, और किस देशों के लोग आए हैं अभी घूमने, बहुत अच्छा महसूस है, आप भी मिले बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी हम कुल्लू शहर में एक एग्जीबिशन स्टॉल में पहुंच चुके हैं यहाँ पे ना, तो काफ़ी अट्रैक्टिव इनका ये स्टॉल लग रहा था, मैंने कहा चलिए इनसे बात करते हैं, देखते हैं स्टॉल में हमारे लिए क्या इंटरेस्टेड और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो लेट्स सी गाइस, बने रहिए। जी नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मिस रेशमा ठाकुर सर। ओके, और मैम थोड़ा सा स्टॉल के बारे में बताएंगे, मैं एक्चुअली यहीं से जा रहा था, तो मैंने कहा स्टॉल काफ़ी अट्रैक्टिव लगा मुझे ना, मैंने कहा चलिए आपसे बातचीत करते हैं। श्योर सर, श्योर सर। ये स्टॉल सर हमारे ARNCC कुल्लू ने लगाया है टू मोटिवेट यूथ और जॉइन आर्म फोर्सेस, स्पेशली एयर फोर्स, बिकॉज वी आर फ्रॉम ARNCC कुल्लू, दैट्स व्हाई हम एयर फोर्स ज्वाइन करने के लिए यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कुल्लू जैसी जगह के लिए। सही बात है मैम, पूरे हिमाचल में एक ही स्क्वाड्रन है हमारी एयर विंग की, और ये कुल्लू में है, और दुशहरे में एग्जीबिशन के थ्रू ये मैसेज पास करना,
इजी टू रीच है हमारे लिए, क्योंकि दशहरे में इतने सारे लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, सही बात तो है। वो मोटिवेट होंगे, देख लिया यहाँ पे जहाज देख के आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट देख के आ रहे हैं जी, काफी अट्रैक्टिव है ये ना। यस, ये C-17 ग्लो मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है सर, ये सर राफेल का तो मैक्सिमम लोगों ने नाम सुना था ना, क्योंकि लेटेस्ट जो हमने बाय किया है फ्रांस से, ये सर फाइटर जेट है, एंड ये सर Su-30 है, Su-30 MKI ऑल्सो फाइटर एयरक्राफ्ट, ये सर रेडियो कंट्रोल मॉडल है हमारा जो रिमोट से चलता है, RC मॉडल, ये सारे सर फ्लाइंग मॉडल है, कंट्रोल लाइट RC ये सारे फ्लाई करते हैं। वो सामने देख पा रहे गाइस आप ना वहाँ पे। और सर सबसे प्राउड वाली चीज़ हमारी ये है, हमारे अचीवर्स सर 1HV एयर स्क्वाडन के 99 है, ये ऑल्सो फाइटर जेट है हमारा, एंड ये हमारा SA Tejas, ये हमारे इंडिया का खुद का जहाज है जो उसने खुद बनाया है, ये ऑल्सो फाइटर जेट है सर हमारा, फाइटर क्राफ्ट है, और ये AN-32 इट्स ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है सर। तो गाइज ये सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैम ने दी हमें ना, काफ़ी अच्छा लगा मैम से बात करके, और जो भी लोग मतलब जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगा रखा है सर कि एयरफोर्स में आप एलिजिबिलिटी क्या क्या है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए एंट्रीज कौन सी है, टेक्निकल ब्रांच के लिए एंट्रीज, ग्राउंड ड्यूटी उसकी एंट्रीज, और जो हमारा सर एग्ज़ाम प्रोसीजर रहता है वो इस साइड है सर, एग्ज़ाम प्रोसीजर्स आप CDS के थ्रू जा सकते हैं सर, FCAT स्पेशल एग्ज़ाम फॉर एयरफोर्स सर, NCC स्पेशल एंट्री रहती है जिससे डायरेक्ट SSB के लिए अपीयर करते हैं सर, एंट्रांस एग्ज़ाम नहीं होता, जो बच्चे NCC सी सर्टिफिकेट लेके जाते हैं उस डायरेक्ट SSB के लिए अपीयर होते हैं सर, ये NCC का। सो प्लीज ज्वाइन Air NCC एंड ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। ओके थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। हेलो सर, हेलो कैसे हैं? तो ये हमारे नीरज भाई है, काफ़ी टाइम बाद मिले आज, ये हमारे कॉलेज में सीनियर थे और काफ़ी अच्छा लग रहा है इनके साथ। तो ये शाम का टाइम देखते दोस्तों आप ना, यहाँ पे एग्जीबिशन स्टॉल के सामने कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम आए हैं यहाँ पे एग्जीबिशन स्टॉल में, साथ में ना ये आपका हेल्थ वालों का स्टॉल लगा यहाँ पे एग्जीबिशन, तो कुल्लू दशहरे में। तो गाइस अभी चलते हैं अंदर, थोड़ा सा सामान बैठे इनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही हेल्थ से रिलेटेड जो जानकारी होती है हमेशा यूज़फुल होती है, तो बने रहिए चैनल के साथ। मैं निर्मला मन स्वास्थ्य विभाग से मास एजुकेशन इंफॉर्मेशन ऑफिसर कुल्लू में कार्यरत हूँ, और हमारा स्वागत करते हैं हम अपने स्टॉल में। तो जो जैसे कि आपको विदित है, इंटरनेशनल दशहरा फेस्टिवल जो है हमारे कुल्लू दशहरा सबसे फेमस है, तो यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदर्शनी लगती है, जिसमें कि हमारे जितने भी नेशनल प्रोग्राम हैं, जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उनकी हम एग्जीबिशन लगाते हैं, और हर तरह के हमने पोस्टर बनाए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, हर योजनाओं के जितने भी सहारा योजना, हिम केयर, आयुष्मान, जितने भी हमारे प्रोग्राम उसके सन बोर्ड बनाए हुए हैं, ये सिर्फ केवल हम जानकारी के द्वारा इसके में प्रचार कर रहे हैं, और जो भी लोगों की क्वायरी रहते हैं उनको हम हमारी जितनी भी स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसमें डिटेल में बताते हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, इसमें ये जो हमारे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत है, जो निशुल्क जांच की जाती है, निशुल्क परीक्षण किया जाता है, और इसमें निशुल्क दवाइयां दी जाती है, निशुल्क जो शल्य प्रक्रिया होती है, साथ में निशुल्क जो वाहन प्रक्रिया व्यवस्था रहती है, जैसे कि 102 की जननी एक्सप्रेस जिन्हें निशुल्क वाहन की व्यवस्था है, और अगर कोई किसी तरह की क्वायरी है तो 104 के द्वारा और 108 एम्बुलेंस की वो सुविधा है, इसमें
हमारी बहुत सी सुविधा है, साथ में शिशु का निःशुल्क इलाज जो है 0 से 1 साल के बच्चे तक का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे द्वारा, हमारे स्वास्थ्य हमारे हिमाचल सरकार के माध्यम से उनके द्वारा किया जाता है। दूसरा हमारा है जो गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड लेना जो अनिवार्य है, इसमें जो है फॉलिक एसिड लेना कब अनिवार्य है, जैसे गर्भवती हो जाती है महिला उसके 3 महीने तक जो है महिला को भी और उसके पति को भी फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि शिशु के दिमाग के लिए बहुत आवश्यक है। साथ में अगर कोई प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, उसके दौरान भी फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी होता है, जैसे कि फॉलिक एसिड हरी पत्तेदार सब्जियों में, ब्राउन राइस, जितने भी हमारे घरेलू सब्जियां होती हैं उसमें सभी में पाया जाता है। और जो फॉलिक एसिड की दवाइयां हैं ये हमारे सभी स्वास्थ्य संस्थानों में पाई जाती है। और जैसे कि आपने नशे के बारे में सुना होगा, नशा कितना गंभीर समस्या बनी हुई है, नशे के लिए भी हम अवेयरनेस करते हैं, हमारे जो यूथ है नशे की ओर ना जाएं, इसके लिए हम समय समय पर अपना अभियान चलाते हैं। और अगर कोई इस नशे में पड़ गया है तो हमारे यहाँ पर हमारे डॉक्टर वैद्य जी हैं, जो हमारा भुंतर हॉस्पिटल है, ड्रग एडिक्शन सेंटर है, वहाँ पर पूरा इलाज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ज़बरदस्ती है कि कैद की तरह रखा जाता है, ऐसी समस्या नहीं है। वहाँ पर पहले काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग के द्वारा देखा जाता है कि ये किस कैटेगरी का पेशेंट है, कि नशा छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता है, पहले उनका ट्रीटमेंट किया जाता है दवाइयों के द्वारा, और उसके सब्स्टिट्यूट जो दवाइयाँ दी जाती है फिर उन्हें एडमिट किया जाता है। और बहुत से जो है पेशेंट ठीक होकर गए, 2020-21 का आंकड़ा हमारे पास है, जिसमें कि हमारे आदरणीय डॉक्टर वैद्य जी के द्वारा लोग 3000 से ज़्यादा यूथ जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ठीक होकर गए हैं और एक स्वस्थ बेहतर ज़िंदगी अपने जी रहे हैं। एच आई वी एड्स का जैसे कि आप लोगों को पता है एच आई वी और एड्स एक अलग अलग चीज़ है। एच आई वी जो है केवल हमारे जिसमें ब्लड टेस्ट के द्वारा ही पता चलता है, अगर HIV पॉजिटिव हो तो उसमें क्या है तो बहुत उसमें लक्षण आने तक 10 से 12 साल लग जाते हैं। 10 से 12 साल में जो होता है कि एड्स क्या है, एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, मींस ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसमें बहुत सारी बीमारियों का समूह होता है, उसमें अगर बुखार है तो TV है, खांसी है तो वेट लॉस है, इस तरह की भूख ना लगना, बहुत सारी बीमारियों का जो समूह है, डायरिया है इतना कि ख़त्म ही नहीं होता, साथ में स्किन डिजीज़ भी हो जाती है, मतलब कहने का मतलब ऐसी बीमारी अगर एक ख़त्म दूसरी शुरू हो जाती है उसको एड्स कहते हैं। ये हमारा है, अगर वहाँ पे हमारा कुल्लू हॉस्पिटल में ICTC सेंटर है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर है, जहाँ पर हमारे काउंसलर बैठे होते हैं, वहाँ प्री काउंसलिंग और पोस्ट काउंसलिंग की जाती है, उसके तहत जो है HIV एड्स के बारे में जानकारी दी जाती है। प्री काउंसलिंग इसलिए की जाती है ताकि एकदम से जो है परेशानी ना हो कि अगर कोई पॉजिटिव आ जाता कि परेशानी एकदम से उनको सदमा लगे, तो पोस्ट काउंसलिंग होती है, अगर बाई चांस कोई पॉजिटिव आ जाता है पेशेंट तो उसका भी जो है दवाइयों के द्वारा इलाज किया जाता है, जैसे कि BP शुगर की दवाइयाँ खाई जाती हैं, वैसे एक टेबलेट लेनी होती हैं, उससे द्वारा एड्स का इलाज जो संभव है। और जो जो हमारी टेबलेट है वो मेडिकल कॉलेज नियर चौक से लाई जाती है, पेशेंट का जो जाने और आने का जो किराया फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो साथ में जाता है उसके भी किराया नहीं लगता है, और दवाइयाँ रेगुलर ही लेनी पड़ती है। ठीक है मैम, धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमारे व्यूवर्स को। उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे व्यूवर्स जो यूट्यूब के माध्यम से ये सब इन्फॉर्मेशन आज जिन्होंने ये देखी वीडियो तो उनको काफ़ी, और इसी के साथ मैम आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम हेड कॉन्स्टेबल देवेंद्र कुमार है, मैं SDRF पंडोर से हूँ, यहाँ DDMA का स्टॉल लगा हुआ है, एग्जीबिशन लगा हुआ है, ये डिज़ास्टर से रिलेटेड जानकारी लोगों को देते हैं, इसमें किस तरह के डिज़ास्टर होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, अगर डिज़ास्टर आ गया है तो किस तरह से उसका बचाव किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, उनकी सहायता से हम लोगों को बचाते हैं, उन तक पहुंचते हैं, उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट है, जैसे ये हमारा सबसे पहले RR सा है, रोटरी रेस्क्यू सा, ये गैसोलीन से चलता है,
और अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है उसमें पहुंच बनानी है तो इसके थ्रू हम दीवारों को या लेंटर को काटते हैं और विक्टिम तक पहुंच बनाते हैं। अगर कोई लकड़ी या मेटल किसी तरह का काटना हो तो उसके लिए आरपी सा है, इसकी मदद से हम लकड़ी और मेटल को काटते हैं और पोंच बनाते हैं। अगर कोई रॉड सरिया या लोहे का कुछ आता है तो 20 mm तक हम इस मशीन के थ्रू काट देते हैं, इसको बार कटर कहते हैं। अगर कोई ड्रिलिंग करनी है तो उसके लिए ड्रिलिंग मशीन है। और कोई रोप रेस्क्यू से रिलेटेड अगर कोई ढांक से नीचे गिर गया है या कोई ऊपर फंसा हुआ है तो उसको हम रोप के थ्रू निकालते हैं, जिसके लिए रोप रेस्क्यू का ये सामान है सारा। अगर कहीं पर आग वगैरह लग जाती है तो आग से को कैसे काबू किया जाता है उसके लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं। और अगर कोई विक्टिम हमें अगर किसी हालत में मिलता है तो उसको फर्स्ट एड देते हैं हम सबसे पहले, तो उसके लिए फर्स्ट एड किट है। और कोई स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम में हम जाते हैं तो बच्चों को हम बताते हैं कि क्या क्या करना है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी का पेशेंट है तो उसको CPR के लिए बताने के लिए उनके लिए मैनिक्यून रखी हुई है कि CPR देते कैसे, किसको देनी है CPR। और अगर CPR देने से पहले हम बताते हैं कि अगर उसके कुछ गले में फंस गया है तो उसको कैसे रिमूव करना है, उसके बाद CPR देनी है। और इसके ये जो DDMA ने ये पैम्पलेट लगाए यहाँ पर, इसमें बताया गया है कि 1905 में हिमाचल में सबसे बड़ा डिज़ास्टर अर्थक्वेक आया था, जिसमें 7.8 मैग्नीट्यूड के उसमें वो था रडार में, और उसमें 20,000 के लगभग लोग मारे गए थे। और ये पिछले साल 2023 में ये फ्लड आया था कुल्लू में, जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था कुल्लू में। और इसके नीचे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पुरानी शैली के घर हैं उनको फिर से बनाने के लिए प्रशासन जो है बता रहा है कि जो आजकल जो लेंटर के घर बना रहे हैं उसमें ज़्यादा नुकसान होता है ड्यूरिंग डिज़ास्टर, जबकि इसमें कम होता है, ये साइंटिफिक प्रूफ्ड है ये। तो नेक्स्ट ये भी इसी के बारे में बताया गया है इस दोनों पैम्पलेट्स में। उसके बाद ये भूकंप से रिलेटेड है, बताया हुआ कि भूकंप से अगर भूकंप आ जाता है तो किस तरह से उससे बचा जा सकता है, तो इसके बारे में बताया है। उसके बाद बाढ़ से रिलेटेड है, लैंडस्लाइड से रिलेटेड है, ये फायर से रिलेटेड है। अगर मान लो कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है कि लोगों में क्या है भगदड़ हो जाती है, तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है, उससे ज़्यादा जान जाने की मतलब आशंका होती है। तो इसलिए बताया है कि भीड़ भाड़ वाले जो इलाके अगर डिज़ास्टर आता है तो उस टाइम किस तरह से उनसे बचा जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद हाइपरथर्मिया से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बताया गया, सड़क दुर्घटना से कैसे बचा जाएगा उसके बारे में बताया है। अगर कोई स्नेक बाइट होती है तो स्नेक बाइट से कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है, ये DDMA के थ्रू यहाँ पर लगाया गया है सारा। और आकाशीय बिजली जो आती है उससे ड्यूरिंग कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। ये सारे इक्विपमेंट हमारे रोप रेस्क्यू के दौरान और आइस में हम जब जाते हैं तो उसके दौरान यूज़ करते हैं। ये आइस एक्स है, अगर कोई बर्फ़ में फंस जाता है बंदा तो वहाँ पर जब हम जाते हैं तो उसको बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये सारी सीट हार्नेस है, हाफ बॉडी सीट हार्नेस और फुल बॉडी सीट हार्नेस। ओके सर, थैंक यू। और ये जो वीडियो है ये बताया है इसमें कि क्या क्या SDRF ने किया है, DDMA ने क्या किया है, इसके बारे में बताया है। ये मल्टीपल रोप है, इसका यूज़ हम रोप रेस्क्यू के दौरान करते हैं। ये सारे रोप रेस्क्यू के सामान हैं, आइस पिटन है, ये डिसेंडर है, ये असेंडर है, ये डबल गुली है, ये सिंगल गुली है, शावल आइस शावल है, ये कैराबिनर है, ये प्लेन कैराबिनर है, और ये स्क्रू कैराबिनर है, ये हैमर है, आइस हैमर है। तो सर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी कीमती जानकारी हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई। और उम्मीद करते हैं जो भी हमारे YouTube के माध्यम से जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं तो जिनको भी आपदा प्रबंधन से जुड़ी बातें सर ने बताई, सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपकी पूरी टीम का। तो दोस्तों अभी हम कुल्लू शहर में जो एग्जीबिशन स्टॉल था ना यहाँ पे, ये आपका आपदा प्रबंधन से जुड़ा स्टॉल था यहाँ पे, तो सर से हमने जानकारी ली तो काफ़ी अच्छे से सर ने बिल्कुल डिटेल में चीज़ें बताई सर। तो यहाँ पे हमें मेरा हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन सर ने बिल्कुल डिटेल में बताई कि कैसे कैसे कौन कौन से टाइम पे, ये पूरी टीम थी यहाँ पे सर और मैम की यहाँ पे ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो इन सब ने काफ़ी अच्छे से बताया। तो उम्मीद करते
तो गाइज अभी हम कुल्लू में है, ये आपका इको टूरिज्म और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट टूरिज्म का जो साथ में बोले कंबाइन करके स्टॉल लगा यहाँ पे ना, तो ये है यहाँ पे। और थोड़ा सा आप दिखा देते हैं आपको व्यू ना यहाँ पे, तो अभी तो थोड़ी देर में सीएम साहब आने वाले हैं यहाँ पे ना, और देख सकते हैं पब्लिक कितनी है यहाँ पे ना शाम के टाइम में। तो गाइज अभी हम कुल्लू शहर में घूम रहे थे, तो अभी हम टूरिज्म और साथ में जो ये फॉरेस्ट वालों का जो ये स्टॉल लगा हुआ ना एग्जीबिशन स्टॉल, तो इसी के बाहर बैठे हुए अभी थोड़ी देर में यहाँ पे वैसे सीएम साहब आने वाले हैं, तो मिलाते हैं आपको जो हमारे साथ सामने बैठे हुए, ये हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है, साथ में हमारे भाई बंधु भी है हमारे गाँव से भी है, और ये हमारे टूरिज्म वाले सर हैं, और इनसे भी मिलना रहता है काफ़ी टाइम मतलब टूरिज्म ऑफिस में। तो जी नमस्कार मैम। नगर नमस्कार जी, निकोलस रॉरिक की पेंटिंग है नगर आर्ट गैलरी से, पेंटिंग है मग है बुक्स है हमारे पास कुछ एक पेंटिंग है, ये सारी पेंटिंग्स ले रहे हैं ना यहाँ पे पड़ी हुई। अच्छा, ये निकोलस रॉरिक की पेंटिंग है, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, इन्होंने 7,000 पेंटिंग बनाई थी, और इनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा साइंटिस्ट था, छोटा बेटा आर्टिस्ट था, और खुद भी आर्टिस्ट थे, और इनकी जो वाइफ हरिना रॉरिक थी वो राइटर थी। तो गाइस जो हम ये स्टॉल में अभी पहुंचे थे यहाँ पे ना, तो जिनकी ये पेंटिंग बता रहे थे जो सर हैं, तो ये निकोलस रॉरिक जी ये रशिया से बिलोंग करते थे, और उनकी काफ़ी सारी पेंटिंग्स और जो ये हैं आपको ये नगर में जो कैसल है साथ में आर्ट गैलरी ऊपर है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो अट्रैक्टिव है जो कल्चर से रिलेटेड है, तो आप ज़रूर विजिट करिए वहाँ पे भी। तो गाइस अगर आप लोग भी कुल्लू शहर में आ रहे हैं तो स्टॉल में विजिट करिए, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। जी धन्यवाद मैम, धन्यवाद आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस शाम का टाइम है, आप देख सकते हैं स्टॉल के बाहर ना हम बैठे हैं यहाँ पे, अभी शाम के टाइम काफ़ी पब्लिक होगी दोस्तों यहाँ पे ना, काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, तो अभी हम कुल्लू शहर के साथ में एग्जीबिशन स्टॉल में घूम रहे थे यहाँ पे ना, और ये काफ़ी सारी पब्लिक है यहाँ पे अभी देख सकते हैं यहाँ पे ना। तो गाइस अभी शाम के टाइम है, ऑलमोस्ट आपके 7:30 होने वाले हैं, और अभी हम कुल्लू शहर में एक एग्जीबिशन स्टॉल में पहुँच चुके हैं, तो मैंने कहा चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं हमारे व्यूअर्स तक, तो देखते हैं ये स्टॉल किस चीज़ का है और कौन सी इन्फॉर्मेशन हम सबको मिलती है, तो बने रहिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर अमित मेहता है, मैं डाइट कुल्लू जरट से आया हूँ। ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं ये डाइट कुल्लू के माध्यम से लगाए गए हैं, इसमें जो इस बार हम लोगों ने काम किया कि सभी जो इंटरवेंशन हमारे चलती हैं उन सभी को यहाँ डिस्प्ले किया है, ताकि हम लोग जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए पब्लिसिटी का काम करते हैं हम लोग, जो इंटरवेंशन हम लोग अपने डाइट से डिस्ट्रिक्ट में चलाते हैं उन सभी की पब्लिसिटी इस स्टॉल के माध्यम से हम लोग करते हैं। यदि आप इस तरफ देख पाएंगे तो यहाँ पर हमने एक आधार कार्ड अपडेशन का एक काम लगाया है, जिसमें जो हमारे पास बच्चे हैं वो 5 से 7 साल के वाले और 15-17 साल वालों के आधार अपडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। इस तरफ यदि आप नज़र मारेंगे तो हमारे पास एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो एक कक्षा 3, 6 और 9 के बच्चों के लिए चला है, उसमें इसका जो फाइनल मॉक टेस्ट है वो 4 दिसंबर को होना है, तो ये पूरे एक नेशनल लेवल पे स्टेट का क्या रैंक है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं बच्चों को एक QRF एक टेस्ट जो है मॉक टेस्ट बच्चों का करवाते हैं, ताकि बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए जो 4 दिसंबर में टेस्ट होना है उसके लिए प्रैक्टिस हम यहाँ बच्चों को कराते हैं, वो कक्षा 3, 6 और 9 के बच्चों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ देख पाएंगे प्री प्राइमरी का स्टॉल है, ये बच्चे भी आप देख पा रहे होंगे, ये छोटी बच्ची है, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं जैसे ये क्विज है, इसको मान लीजिए क्विज को हमने इकट्ठा करना है, या कोई कलरिंग के बारे में बात है, या कोई और मान लीजिए कोई जैसे बच्चों को छोटी कक्षा वाले बच्चों को 1 से 10 तक गिनती के बारे में बात की जाए, या और जिस लोगों को छोटे कक्षा बाल बाटिका जो हमारे पास नर्सरी से लेके कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए जो फाउंडेशन क्लास हमारी है उसके लिए सारा हमने काउंटर यहाँ पर रखा है। बच्चे यहाँ पे आते हैं एक्टिविटी करते हैं, यहाँ देख पाएंगे तो बच्चे ब्लॉक से कार बना रही है या क्विज को ये सॉल्व करती है, या इस तरह से हम लोग मूवमेंट दिखाते हैं कि इमोशंस कैसे तरह आते हैं, देखिए इमोशन का एक रखा हुआ है, तो ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। उसके साथ अगर आप यहाँ देख पाएंगे एक हमारे पास व्यावसायिक शिक्षा का एक कोर्स स्कूलों में चलते हैं, जो करीबन 16 कोर्सेज हमारे स्कूलों में चलते हैं, उसमें एक टूरिज़्म का कोर्स भी है। और यदि आप इस मॉडल को देख पाएंगे, ये मॉडल हमारे पास जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीणी से हैं, और इन बच्चों ने इस मॉडल को बनाया, ये देखिए इको सिस्टम का एक मॉडल है, जिसमें राजेश कुमार जी हैं पीणी के लेक्चरर, ये थोड़ा सा आगे विस्तार से बताएंगे। राजेश कुमार सर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीणी से हूँ, वहाँ भी वोकेशनल ट्रेनर सर, और सर हमने ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का एक वर्किंग मॉडल बनाया जो कि इको टूरिज्म के ऊपर पूरी तरह बेस्ड है, और ये पूरे हिमाचल प्रदेश का हमने जो इसमें जिक्र किया हुआ है कि कौन कौन सी जगह कैसे, जैसे सर हमारे पास
पैराग्लाइडिंग है सर यहाँ पे, तो बीड व्हीलिंग का भी हमने इसका जिक्र किया हुआ है, पैराग्लाइडिंग कैसे, माउंटेनियरिंग, माउंटेनिंग जी सर, ये इस तरह से माउंटेनिंग, और सर किस तरह से हमने पूरा वर्किंग में इसको दिखाया है सर, जैसे देख सकते हैं आप इसको अच्छे से इस तरह से सर ये सारी चीज़ें। और सर हमारे पास इसके बाद हमारे पास जो है वो हमने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को भी इसमें दिखाया है थोड़ा सा, और पक्षियों को दिखाया है हमने यहाँ पे, कि वहाँ पे जैसे पक्षी किस तरह से जो है वो आप इसको देख सकते हैं लाइव। उसके सर हमारे पास जिप लाइनिंग है, ये भी सर हमने वर्किंग में पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की है इसमें मॉडल में। और सर इसके बाद रिवर राफ्टिंग है हमारे पास, हमने लगभग सारी पूरे हिमाचल को कवर करने की कोशिश की है इसमें। बिजली महादेव का मंदिर आप देखते हैं जो कि हमारा रिलीजियस प्लेस है, ये पैराग्लाइडिंग सर जी सर। सर मेरे साथ सुनील है सर, प्लस टू क्लास सर, युगल सर प्लस टू क्लास, सुनील कुमार प्लस टू, अनिल कुमार प्लस टू, राकेश कुमार प्लस टू, ये सब बच्चे सर, इन सब बच्चों ने मिलकर बनाया सर। तो गाइज अभी हम कुल्लू एग्जीबिशन स्टॉल में हैं, तो जो कि डाइट कॉलेज और टूरिज्म वालों का है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बताया था यहाँ पे, वो हमने कवर किया था, और ये देख सकते पूरी टीम है इनकी यहाँ पे। सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और हमारे मॉडल को इस तरह से प्रमोट करें सर, धन्यवाद। तो गाइज ये सर ने हमारे को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आज ना, तो घर बैठ के जितना, और ये बच्चों के भी कुछ टूरिज्म के कुछ प्रोजेक्ट थे यहाँ पे, इन वाले सर ने भी काफ़ी अच्छे से बताया, तो एक बार फिर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें समय दिया, और ये जो हमारा स्टॉल था जिसमें आप देख पाएंगे छोटे छोटे बच्चों की एक्टिविटी हैं, बड़े बच्चों की एक्टिविटी हैं, सबको आपने कवर किया, और अच्छे आप इस किसी यूट्यूब चैनल में इसको चलाएंगे, तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए और व्यूअर के लिए, सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, दशहरा सबके लिए मंगलमय हो, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो गाइस शाम का टाइम मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 बजने वाले हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे कुल्लू शहर में ना, और देख सकते हैं आप काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे। और स्टॉल में पहुँच चुके कुल्लू शहर के ना, तो इन भाई साहब से जानते हैं कौन सा स्टॉल है और कौन कौन सा प्रोडक्ट है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता, हम चंबा से हैं, चंबा का नावार की तरफ से लगा हुआ स्टॉल में जी सर। हम तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है शहद, शहद का काम है। ओके, शहद का काम है और चंबा की जी सर। तो ये सब जो लगा स्टॉल में आपने, ये सब प्रोडक्ट है आप लोगों के, ठीक है जी जी। ये सब गाइस देख सकते हैं आप ना, आई और चंबा का हमारा प्योर प्योर शायद टेस्ट करिए, हम करा भी रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स आ रहे हैं और चंबा की जो स्पेशल है ये शायद भी यहाँ पे ना एकदम, मतलब के बस इसकी परख कैसे होती है सर? खा के लग जाता है पता। अच्छा, जो तो खा के ना, हमारे हिमाचल में कई भी जैसे पहाड़ी कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, चंबा है, तो लोगों को पता है कैसा है, अपना भी निकाल दे लोग जी सर, तो लोगों को पता चल जाता है क्या खा का कैसे, हम टेस्ट कभी जो करा रहे हैं सभी बात करो नहीं बढ़िया सर, आपको भी कराएंगे इसमें कराएंगे। तो गाइस जैसे कि सर ने अभी बताया, हमने अभी ये खुद ही ये शहद टेस्ट किया, मतलब ना एक्चुअल में ये देख सकते हैं आप। ओके, तो सर जैसे किसी और को चाहिए वो दूसरे के बाद कहाँ पर मिल जाएगा ये, कोई स्टोर ऑनलाइन वेबसाइट कुछ? कार्ड से, कार्ड से मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पे कुल्लू में स्टोर होगा सर, आप कहेंगे कुल्लू में आपका स्टोर कहीं पे? ऑर्डर पे मिल जाएगा, कम से कम 2 किलो। ओके, तो दोस्तों इनसे हमने जानकारी ली मतलब शहद के बारे में जो बताया सर ने, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग भी अभी तो शहर में आ सकते हैं और मतलब कि ये विजिट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सर, कुल्लू वालों का शुक्रिया, धन्यवाद। तो लगता है गाइस सीएम साहब भी आ चुके हैं कुल्लू शहर में, गाइज़ फाइनली अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और बहुत अंधेरा हो गया था आज ब्लॉगिंग करते करते, बहुत मज़ा आया वैसे ब्लॉगिंग करके, आज बहुत सारे लोगों से मिलना भी हुआ और बहुत सारे लोगों से मिले हम, उनके एग्जीबिशन स्टॉल में गए, काफ़ी लोगों से बातचीत की
तो गाइज आपको वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर कमेंट इसी तरह करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए सो दैट कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कुल्लू के दशहरे की वीडियो पहुंच सके और जो भी लोग हैं वो देख सके कुल्लू का कल्चर कैसा है, यहाँ का दशहरा मेले कैसे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए चैनल से, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।